हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना कराची टू लाहौर ब्लॉग दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से इन्जॉय किया, मैंने किस तरह अपनी पैकिंग की और मेरा सफ़र कैसा रहा। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये देखें, सबसे पहले मैं आपको अपना ये वैनिटी बॉक्स दिखा रही हूँ। ये इसमें मुझे जो है वो सामान रखना है अपना पूरा वैनिटी। ये ब्रशेज हैं, मैंने ये सेट कर दिए हैं और मुझे ट्रैवल पे जाना है तो आप ये देख सकते हैं। ये वाला एक ब्रश है, और देखें आप, मैंने ये वाला पैलेट रखा है। ये जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त पैलेट है, तो इसमें हम आसानी से सारे शेड मिल जाते हैं। और एक ये मैंने ये छोटू सा पैलेट रखा था, अपने आई ग्लिटर्स जो है वो ये रखे थे। तो ये देख सकते हैं आप, ये सारा मेरा कॉस्मेटिक है और ये मैंने अपना वैनिटी बॉक्स तैयार कर लिया था। अब इसकी पैकिंग मैंने खुद बड़े सोच समझ के की कि मैं आराम से लिपस्टिक के ऐसे शेड रखूं कि मुझे 10 शेड्स की ज़रूरत ना पड़े। मैंने जस्ट सिलेक्टेड 3 शेड्स अपने रखे ताकि आसानी से मैं जो हूँ इसको हल्का भारी करके यूज़ कर सकूं। तो ये मेरा टोटल सामान था जो मैंने अपने वैनिटी बॉक्स में ऐड किया। तो ये आप देख सकते हैं। ऐसे मौकों पे ये यानी इसका ये दुपट्टा है, तय करवाओ ना अभी, जल्दी जल्दी अभी करवा रही हूँ ना। वो करें नहीं रखो, चल भाई पहले। यहाँ मेरी ये पैकिंग कंप्लीट हो गई थी और सामान मेरा कम पड़ गया था तो मैं दूसरा बैग अरेंज किया मैंने। देन आप देख सकते हैं आप ये सारा सामान। अब मैंने दाऊद को वेट के लिए बुलाया था कि मेरा कितना के जी। पंद्रह किलो, बस ये मेरे हिसाब में डालने वाला बैग है ना, इसमें एक दो किलो का। वैसे इसका 14 है, इसका 6 है, 15, ठीक है। और दाऊद का एक 10 है और 6 16, हाँ हो गए। और अगर उसका ज्यादा भी आए तो ये हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे, ये 6:30 बज रहे थे और हम रास्ते में थे ऑन द वे ऑफ एयरपोर्ट। एक अजीब सा डर भी लग रहा था और खुशी भी हो रही थी कि हम लोग जा रहे हैं। स्पीड से ये बिल्कुल एयरपोर्ट का रास्ता है और हम बस पहुंचने ही वाले। ये देखें गाइस, ये हमारी डेस्टिनेशन आ गई और हम एयरपोर्ट पहुंच गए। ये हमारा टिकट है, हमारा सीट नंबर 32 भी था मेरा। अब देखिए हमारा अनाउंसमेंट हो गया और हम जा रहे हैं। ये देखिए ये हमारे कदम प्लेन की तरफ बढ़ते हुए। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे और थोड़ा डर भी लग रहा था। तो ये देख सकते हैं आप सब लोग के हम सब लोग जा रहे हैं। इधर आ जाओ। ओके ओके, Thank you.
ये देखें गाइस, ये बच्चा हमें वेलकम कर रहा था माशाल्लाह से, इतना क्यूट सा बच्चा था और ये अपनी सीट से बिल्कुल फ्रंट होके हमें बार बार देख रहा था। जी गाइस, हम लोग कहाँ जा रहे हैं बताइएगा। हम लोग लाहौर जा रहे हैं, उसके बाद हमारा ट्रिप है, हमारा इंजॉय करेंगे सियालकोट और बहुत सारी जगह, इस्लामाबाद जहाँ जहाँ जा सकते हैं हम वहाँ वहाँ हम सब लोग जाएँगे। और हमारे लिए ड्रा करिएगा, हम करियर से पहुँच जाएँ। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अल्लाह हाफ़िज़। सऊदी एयरलाइन है जिसमें हम मन है, ये है सऊदी एयरलाइन। ये देखिए, जो है जैसी टेक ऑफ हुआ था उसके बाद मैंने आंखें बंद कर ली और आंखें खोलने के बाद मैंने देखा तो ये व्यू था। हम बादलों से ऊपर थे और अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी और डर भी लग रहा था और मज़ा भी बहुत आ रहा था। तो ये देखें आप तो हमने बहुत इन्जॉय किया फ्लाइट में। तो हम लोग वीडियो भी बना रहे थे, कभी मैं शेल्टर कर रही थी तो मुझे डर लग रहा था, तो और फिर मैं एक्साइटमेंट में और ये देखें, ये हमें ब्रेकफास्ट मिला था जो कि जिसका टेस्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बस ज़बरदस्ती मैंने मुंह में उंडेला था ये। तो ये देखें आप, और इस बच्चे की भी मैं कंटिन्यूस वीडियो बना रही थी। तो उसके बाद फिर मैं सोच रही थी कि इसको खाऊं या नहीं खाऊं, लेकिन मुझे भूख भी लग रही थी। फाइनली मैंने इसको जो है वो अनबॉक्स किया और अब खाना ज़बरदस्ती स्टार्ट किया। तो ये देखिए, बार बार हम व्यू चेक कर रहे थे बाहर का कि हम कितने ऊपर हैं। तो अब मैंने ये फिनिश कर लिया, इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अब मैं जूस उसके बाद मैंने पिया, फिर मैं चाय का वेट कर रही थी। ये देखें गाइस, अब हम लाहौर लैंड होने वाले थे और हमारी लैंडिंग बहुत करीब थी और यहाँ हल्के हल्के से हमें घर नज़र आना स्टार्ट हो गए थे, जिसमें आधे से ज़्यादा मुझे ब्लू टंकियाँ नज़र आ रही थी तो मुझे डर लग रहा था कि अच्छा कर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जहाज़ लैंड हो गया था। अब हम अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गए थे। उसके बाद देखें कैसी हबड़ तबड़ मच गई थी प्लेन में, हर बंदा चाह रहा था कि मैं सबसे पहले उतरे। और फिर यहाँ से मैं अपने सामान की वीडियो बना रही थी कि हमारा लगेज था। तो जब हमारा लगेज क्लियर हुआ तो हम प्लेन से बाहर आए। तो यहाँ के व्यूज़ आप देख सकते हैं, ये लोग कैसे अटखापट ही कर रहे थे सामान की, इवन कि मेरा बैग भी फट गया। और ये हमारे साथ एक लड़का था आगे, ये हमारे बिल्कुल स्ट्रेट होने और बंदी हुई थी। शुक्र है अल्लाह का, मुझे बहुत हंसी आया जी। और देखिए सब लोग जा रहे हैं, बहुत सर्दी लग रही थी तो चल रहा था कि वाकई में हमारा क्रॉस करती हुई देखे। वेलकम टू अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल। और हम कुछ मिठाई और गिफ्ट्स लेकर आए थे, तो ये अपने इसको नहीं करवाया था। तो ये देखिए हम लोग बस जा रहे हैं और शदीद ठंड लग रही थी।
हमें अब हम एयरपोर्ट जो है मेरे पैर तो धरती ठंडे हो रहे हैं। पूरी मैं वीडियो बनाती जा रही थी ताकि मैं आप लोगों को बिल्कुल सही तौर पे जो है वो इंजॉय करवा सकूं कि यहाँ रनवे पे क्या। और ये देखें पोने वाले लड़के को मैंने यहाँ पे फोकस किया, ये जल्दी जल्दी भागता हुआ जा रहा था। पूरे रास्ते ये आदमी फ्लाइट में सोता रहा है। तो दूसरा वाला बैग कहाँ है? सामान पकड़ा हमारे लंदन तो आई जब मैं हूँ। फ्रेंड्स हम लोग आ गए दो कदम चले और ये दो कदम पहचान सकते हैं अगला कदम किसका है। यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है और दो कदम आप अपनी आवाज सुनाएंगी जरा। हाँ हाँ सुना दी आवाज। फ्रेंड्स आप गैस करें कि ये आवाज किसकी है और मुझे मैसेज तो बताइए और इंस्टा पे डीएम करें। अब मेरा व्लॉग कंप्लीट हो गया। ये लाहौर एयरपोर्ट का रिंग रोड है और यहाँ का व्यू इतना हसीन था, इतना प्यारा था, मैं बहुत एंजॉय कर रही थी लाहौर में। ये देख सकते हैं आप ये जो मिठाई का डब्बा, इतने मज़े की मिठाई थी उसके अंदर। तो ये सारी मिठाई थी तो बहुत ही यम्मी थी ये। तो इसकी भी मैंने वीडियो बना ली। फिर जैसे ही हम घर में आए तो हमारे लिए ये सारा नाश्ता ब्रेकफास्ट वगैरह रिफ्रेशमेंट रखा गया। फिर रात का हमारा डिनर जो है वो ये था और बहुत ही मज़ेदार यम्मी डिनर था ये और हमने बहुत एंजॉय किया। आई होप आपको मेरा ये कराची टू लाहौर पूरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा और आगे भी मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाती रहूँगी कि मैंने किस तरह एंजॉय किया। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।